गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स द सॉल्यूशंस लेक्चर जो कल हमने टेस्ट किया था, टेस्ट योरसेल्फ पार्ट 6। इस वीडियो में उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जिसके अंदर 3 सेंटेंसेस आपको दिए गए थे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिसमें से फर्स्ट सेंटेंस है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही लिखा है, बिकॉज ये सेम सेंटेंस जो है मैंने हेल की वीडियो में बताया हुआ था। तो जिन्होंने हेल के वीडियो को ध्यान से देखा उनका आंसर बिल्कुल सही है, बट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से कम 2 बार देखा करें, ताकि जब टेस्ट होता है तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस हो कि हमें काफी कुछ आता है। सो फर्स्ट सेंटेंस दिया हमने, हेल ब्रोक ऑन देम हु कास्ट एन इविल आई, यानी कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला तेरा सत्यानाश हो, कहने का मतलब ये है। सेकंड है, शतरंज खेलना मेरे बस की बात नहीं है। अभी सेंटेंस को हमने लिखा प्लेइंग चेस इज नॉट माय कप ऑफ टी। जो सेंटेंस किसी एक्शन से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है, उसमें हमेशा आईएनजी लगता है। सो शतरंज खेलने को हम प्ले चेस बोलते हैं, तो प्ले के साथ जब आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग चेस इज नॉट माय कप ऑफ टी, यानी कि शतरंज खेलना मेरे बस की बात नहीं है। थर्ड सेंटेंस दिया, मैं बिना छुट्टी किए, यानी कि बिना नागा किए स्कूल जाता हूँ, हालांकि मैं जाना नहीं चाहता। तो इसके कहने का मतलब यह है कि अगर स्कूल लगा है तो मैं जरूर जाता हूँ, यानी कि कोई छुट्टी नहीं करता। तो आई गो टू स्कूल विदाउट फेल, क्या बोलेंगे, आई गो टू स्कूल विदाउट फेल, मैं बिना नागा किए स्कूल जाता हूँ, ऑल्दो आई डोंट वांट टू गो, हालांकि मैं जाना नहीं चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दी थी, 2 वर्ब्स दिए थे हाइड एंड रिंग। तो इनके आंसर्स थे हाइड हिड हिडन एंड रिंग रैंग रंग, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आई डैश गो अब्रॉड, और ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दी गई थी शो योर डिजायर, आपने अपनी इच्छा बतानी है गो अब्रॉड, विदेश जाने के बारे में। तो आप इसमें वॉन्ट टू भी फिल कर सकते हैं, अगर आप वॉन्ट टू फिल करते हैं तो आपका सेंटेंस बन जाता है आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, यानी कि ये इनफॉर्मल वे के अंदर है। और अगर आप फॉर्मल वे के अंदर बोलते हैं तो आप बोलेंगे आई विश टू गो अब्रॉड, राइट। सेकंड है आई डैश कम्यूट टू पानीपत, कम्यूट मीन्स होता है अप डाउन करना, यानी कि पानीपत अप डाउन करना, कब, 5 years ago 5 साल पहले, बट नो लॉन्गर नाउ, यानी कि कोई काम जो है वो मैं 5 साल पहले करता था, अब नहीं करता। तो उसके लिए भी मैंने आपको स्पेशल वीडियो यूज टू का बनाकर दिया हुआ है। तो जिन्होंने ये वीडियो ध्यान से देखा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कि इसका आंसर होगा आई यूज्ड टू कम्यूट टू पानीपत 5 years ago, मैं 5 साल पहले पानीपत अप डाउन किया करता था। थर्ड है शी हैज गॉट अ फोटोजेनिक फेस, यानी कि उसका चेहरा ऐसा है कि उसकी फोटो बहुत अच्छी आती है, दैट्स व्हाई शी इज कैमरा कॉन्शियस अकॉर्डिंग टू मी, इसीलिए मुझे ये लगता है कि वह कैमरा कॉन्शियस है, शी इज कैमरा कॉन्शियस, यानी कि जो कैमरे को देखकर अवेयर हो जाते हैं ताकि हमारी फोटो ना खराब आए, हमारी फोटो अच्छी आए, राइट। तो दे आर नोन एज कैमरा कॉन्शियस पर्सन। नेक्स्ट इज यू डैश कम अर्ली टू योर ऑफिस, आपको अपने ऑफिस में जल्दी आना चाहिए, तो उसके लिए हम शुड यूज करते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है आई डोंट वांट टू प्रिपेयर फूड, मैं खाना नहीं बनाना चाहता लेकिन मुझे बनाना पड़ता है, बट आई हैव टू प्रिपेयर फूड। यहाँ पर हैव टू इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज जो काम करने की आपकी इच्छा नहीं होती वो आप मजबूरी से करते हैं, तो मजबूरी के लिए जो आपको है हैव टू यूज करना होता है। नेक्स्ट है व्हाइल इन रोम, यानी कि जब आप रोम में हैं तो डू एज, वैसा ही करिए जैसे कि
रोम के लोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है रोमन्स टू, राइट। व्हाइल इन रोम डू एज रोमन्स टू, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष। नेक्स्ट वन इज योर फ्रेंड्स फादर हैज पास्ड अवे, आपके दोस्त के पिताजी गुजर गए हैं, एंड यू डिडंट विजिट हिज हाउस, और तुम उनके घर नहीं गए, राइट। तो यू डैश विजिटेड हेयर, सो यू शुड हैव विजिटेड देयर, आपको जो है उनके वहां जाना चाहिए था, यानी कि अब तो टाइम निकल गया, लेकिन चलो आप इसको यू शुड भी लगा सकते हैं और यू शुड हैव भी लगा सकते हैं। मैंने हैव इसलिए लगाया बिकॉज फिलअप के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दी गई है, और थर्ड फॉर्म इस बात को इंडिकेट करती है कि हम यहाँ पर हैव जरूर आएगा, बिकॉज हैव के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अकेले शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। एट्थ है माई सर्वेंट डैश फ्रॉम वर्क, तो इसमें है शाइज अवे, मेरा जो नौकर है शाइज अवे, शाय अवे का मतलब होता है चोरी करना, काम चोरी करना, उससे भागना, तो मेरा नौकर जो है वो काम से जी चुराता है, जी चुराना भी एक इसी की इंग्लिश, इसकी इंग्लिश होती है शाय अवे, सो मेरा नौकर जो है वो काम से जी चुराता है, बिकॉज ही इज वर्क शाय, क्योंकि वह है काम चोर है। नाइन्थ है माई ब्रदर डैश लर्न इंग्लिश, अगेन ब्रैकेट में दिया हुआ शो योर डिजायर, इच्छा बतानी है, सो माई ब्रदर वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, मेरा भाई जो है इंग्लिश सीखना चाहता है। लास्ट सेंटेंस इज माई ग्रैंड फादर गोज टू टेम्पल एवरी संडे, यानी कि मेरे जो दादाजी हैं वो हर संडे मंदिर जाते हैं, आगे ब्लैंक स्पेस है, तो वहां हमने फिल करना है विदाउट फेल, विदाउट फेल मतलब एक भी संडे ऐसा नहीं होता जब वो मंदिर नहीं जाते, राइट। सो आई होप भी आप सबको ये सारे आंसर्स जो है विद रीजंस आपको पता चल गए होंगे, एंड आई होप भी आप सभी वीडियोस को बहुत ही ध्यान से और कम से कम हर वीडियो को दो बार देखेंगे, ताकि संडे को जब हम टेस्ट लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% होना चाहिए, राइट। सो सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, बाय।